ए ऑलराइट गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो में हम लोग इसी फोटो का ट्यूटोरियल वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, कुछ हार्ड होने वाला नहीं है। फोटो देख के ही आपको पता लग रहा है कितना इजी है। और देखो, इसमें मैनिपुलेशन है। सो ये कंसेप्ट पे शेप ट्री है, हम लोग का कंसेप्ट आर्ट होने वाला है शेप ट्री के ऊपर। सो हम लोग चल रहे वीडियो में। सो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। देखो, एक हैंड पे विलेज है और दूसरे हैंड पे सिटी है। सो मतलब विलेज हम लोग को ग्रीनरी शो कर रहा है और सिटी में इतना ग्रीनरी नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सूखा पेड़ दिख रहा है और जेसीबी वगैरह दिख रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वही काम ही आता है, बिल्डिंग्स वगैरह का काम आता है। सो इसलिए ये हाईलाइटेड पॉइंट है दोनों। चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्सआर्ट में जाना है और देन देखो, यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑल फोटोज़ में जाएंगे। और देखो, यहाँ से हम लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना है अपना फ़ोटो का, जो कि पहले डिटेल वीडियो बन चुका है, बट हम हाईलाइट में बता दे रहे हैं अभी कैसे करना है। तो टाइम ले लेके देखो, इतना सारा कंसेप्ट आर्ट में क्लिक करना होता है, जो आपको बेस्ट लगता है वही एक सेलेक्ट होता है और बाकी सब डिलीट। और देन रोटेट कर लिया मैं फ़ोन, फिर यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे अभी। और देन देखो, लेयर्स में जाएंगे, खुद का लेयर सेलेक्ट करेंगे, लेयर ऑफ कर लेंगे, इरेजर में जाएंगे और इरेजर में देखो साइज़ अपने अकॉर्डिंग रहेगा, ओपेसिटी फुल, हार्डनेस फुल। सो छोटा बड़ा कर सकते हो आप साइज़। और इस टाइप से बैकग्राउंड रिमूव करना है। और बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद देखो, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है हेयर्स का, ये रहने देना है इसको, मतलब ऊपर जो हल्का हटा हुआ है इसको रहने देना है, क्योंकि देखो वो हेयर मास्किंग हुआ और देखो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है वो हेयर मास्किंग। सो अभी तो इसमें तो नहीं पता चलेगा, वो लाइटरूम में मतलब जब ले जाएंगे फोटो एडिट करके उस टाइम पर वो हटेगा। सो मैं पहले ही कर रखा हूँ, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना हो। सो टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं बैक कर ले रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। सो आप लोग टाइम लेके आराम से करना, जितना बेटर आप मतलब कटआउट करोगे उतना परफेक्ट आपका एडिट होगा। सो वो ध्यान में रखते हुए करना। फोटो बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, एफेक्ट्स में जाएंगे और ब्लर करेंगे, और ब्लर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग को बस एक नॉइज़ हटाना है। फिर क्रॉप में जाएंगे और पोर्ट्रेट ले लेंगे इंस्टा का, क्योंकि मोस्टली लोग जो होंगे इंस्टा पे अपलोड करते हैं। फिर ऐड फोटो में जाएंगे। और देखो यार, मैं एक एक पीएनजी को ऐड करके मतलब पूरा ही एक मतलब एक ही बार मैं ऐड करके दिखाऊंगा, एक एक पीएनजी को मतलब दिखाऊंगा नहीं कि कैसे मतलब ऐड करने, क्योंकि सबको ऐड करने आता है। सो वो मतलब फास्ट में रहेगा थोड़ा। सो आप लोग थोड़ा मतलब स्पीड कम करके यूट्यूब में देखिएगा, देन अपना फ़ोटो ऐड करेंगे यहाँ से। और यार, आप लोग नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यार देखो इस टाइप के कंसेप्ट आर्ट होते रहते हैं इस चैनल पे, और इससे बेटर बेटर कंसेप्ट आर्ट होता है। तो ये कुछ अलग टाइप के यूनिक टाइप का लाया, इसलिए मतलब ये ट्यूटोरियल बनाए। देखो, ये मैंने कटआउट नहीं किया अभी इसको हेयर के पास का, देखना इसका मैजिक कितना हार्ड मतलब फोटो एडिट होगा। टिक कर लेंगे। अब मैं धीरे धीरे सब पेंजेस को ऐड कर ले रहा हूँ और सेट करता हूँ। सो आप लोग हाईलाइट में इसको देखिए।
सर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पीएनजी सब सेट कर लिया, और देखो ये सब कुछ मतलब नॉर्मल्स है, वो कुछ मतलब उतना करना नहीं है, और थोड़ा बहुत भी मतलब आप लोग ध्यान से रखोगे तो हो जाएगा। देखो इतना मैनिपुलेशन का काम हो गया, फिर अभी एक और सेव ट्री का पीएनजी लगा लेते हैं। ये पीएनजी यहाँ पे था, सो देखो सेव ट्री टिक कर लेंगे। अब देखो यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज कर लेंगे। सो देखो अब हम लोग कलर गेट करेंगे। सो देखो हम फोटो जैसे कि आ चुका है हम लोग का गैलरी में, सो इसको अब लोग लाइटरूम में ले जाते हैं हम लोग। सो अभी लाइटरूम ओपन करेंगे, ऑल फोटोज में जाएंगे और यहाँ से ये फोटो सेलेक्ट करेंगे। सो अब देखो यहाँ से कलर ग्रेड स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, ऑटो पे अभी क्लिक नहीं करना, हर बार तो ऑटो पे कर दिया बट इस बार नहीं होगा, ये ऑटो अभी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। शैडो को थोड़ा कम करेंगे, वाइट्स को बढ़ा देंगे, और देखो ये लोग आप लोग मतलब हाईलाइटेड पॉइंट में देखो इसको, और आपको मतलब इसका कंसेप्ट आर्ट जो है इसका मतलब जो हम लोग प्रीसेट्स यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग डायरेक्टली प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हो, बट जिनको मतलब सीखना है टोटली सो उनके लिए ये चीज़ बता दे रहा हूँ। फिर ऑरेंज में जाएंगे, मिक्स में जाकर ऑरेंज में ये बढ़ा देंगे, ऑरेंज का लुमिनांस, रेड का भी थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा टील करेंगे इसको ब्लू को, ये देखो थोड़ा टील हम लोग का आना चाहिए तो बेस्ट लगेगा, और इसका थोड़ा लुमिनांस बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, सेचुरेशन सब कुछ बढ़ा देंगे इसका। देन देखो अभी इतना हो चुका है, फिर डन करेंगे अभी। अब देखो यहाँ से मास्किंग में जाएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट। देखो ये हेयर्स का पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि आप लोग फेस पे भी ड्रॉ करते होंगे, सो इसको उस एक्सपोजर को बढ़ा देंगे। सो देखो मैजिक, एक हेयर का मास्किंग हो चुका है बहुत ईजिली, सो यार देखो कितना रियलिस्टिक लगता है, और लगेगा ऐसा कि फ़ोटोशॉप से हम लोग एडिट किए हैं, बट यार फोटोशॉप नहीं है तो कुछ और ही है, लाइटरूम से हम लोग एडिट करें। सो यार ये सब सीक्रेट ट्रिक्स होता है आपको कोई बताएगा नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजिली सब कुछ समझ में आए। इसको इन्वर्ट करके रेडियल ग्रेडियंट को और लाइट में जाके एक्सपोजर कम कर लेंगे, थोड़ा डार्क लुक आए फिर टिक कर देंगे। अभी देखो हम लोग को क्या करना है, ये देखो हैंड्स पे जो कटआउट किया हम लोग वो थोड़ा सही नहीं दिख रहा, इसको हम लोग छुपाने के लिए क्या करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट लेंगे और नीचे पे लीनियर में लीनियर ग्रेडियंट में इसका एक्सपोजर डाउन करेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा बढ़ा के एक्सपोजर थोड़ा डाउन करेंगे, थोड़ा डार्क लुक भी आएगा और प्लस में वो भी छिप जाएगा, सो कितना बेस्ट वे है ये, देन टिक कर देंगे। फिर मास्किंग में जाएंगे प्लस के और रेडियल ग्रेडियंट लेंगे और खुद के फेस पे अप्लाई करेंगे, इस बार लाइट्स में जाएंगे एक्सपोजर बढ़ा देंगे। और भाई जो लोग बोलते हैं कि यार पिक्सआर्ट में क्वालिटी लॉस होता है, तो यार क्वालिटी लॉस होता है बट उसका मेंटेन करने के लिए लाइटरूम है ना, लाइटरूम से ईजिली हो जाएगा मेंटेन। सो देखो क्वालिटी फोटो का एक एक चीज डिटेल्स वाइज दिखेगा आपको, और देखो हम लोग का ब्लड हुआ था ये सब फोटो, ये सब तो उतना मैनेज नहीं, बट फेस पे ज़्यादा फोकस आदमी करेगा, सो फेस को जो है तो देख के रखिए, ध्यान से करना होगा। फिर मास्किंग में जाएंगे, अब एक बार और रेडियल ग्रेडियंट लेंगे, फिर से लेंगे, जितना दूर फेस आ रहा उतना ही रखना है हम लोग को, ज़्यादा नहीं रखना है, तो इस टाइप से करना है और इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से लाइट्स में जाएंगे, एक्सपोजर डाउन करेंगे थोड़ा डार्क लुक लाने के लिए, उतना भी डार्क नहीं रहेगा हल्का ही रहेगा, फिर टिक कर देंगे। देन देखो कलर ग्रेड हो चुका है, शेयर पे करेंगे एक्सपोर्ट एज टिक। अभी देखो एक और काम बचा है हम लोग का, फिर हम लोग पिक्सआर्ट में जाएंगे, कोई कुछ फेक लाइट्स ऐड करेंगे हम लोग, डोंट सेव वो फोटो ऐड कर लेंगे हम लोग। अब एक फेक लाइट का पीएनजी लाते हैं हम लोग, सो उसके लिए हम लोग को ऐड फोटो में जाना होगा,
देन देखो ये एक लाइट्स का PNG फेक लाइट का है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, इसको ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर लेंगे, इसको इतना पे रखेंगे। सो देखो ये एक तो यहाँ पे हेयर पे जो आ रहा है वो इसका फ्लेयर भी आ रहा है और कुछ देखने में भी लग रहा है कि सन फ्लेयर है ये, ऊपर से ये मतलब लाइट्स आ रहा है सन का। सो डायरेक्टली हम लोग का बिलिंग से टच करते हुए हेयर पे आ रहा है, सो ये एक परफेक्ट लुक ला रहा है। देखो कितना हार्ड लगा ये, मतलब ये ऐड करना एकदम मतलब मस्ट है, क्योंकि देखो इससे हम लोग को क्या होता है कि एक रिम लाइट क्रिएट होता है, सो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। देन सेव कर लेंगे। सो आपका रेडी है फोटो इंस्टा पे FB पे अपलोड करने के लिए। सो गाइस आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यार देखो मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार न्यू यूट्यूबर, सो आपको तो पता ही है कि न्यू यूट्यूबर को सपोर्ट करना का सपोर्ट का ज़रूरत होता है, इसलिए आपको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। सो गाइस मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।